Hello kids, welcome on my channel. Now today we will discuss about in shorts chapter 12 class 6 that is electricity and circuits. हम ये जैसे कि आपको पता है टर्म टू के एग्जाम चल रहे तो हम ये शॉर्टली डिफाइन करेंगे, हर एक डेफिनेशन को कवर करेंगे हम. ये जस्ट शॉर्टकट वीडियो होगा, डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी. तो इसमें हम फर्स्टली इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे हैं. तो बच्चों आपको पता होगा व्हाट इज़ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या आज के ज़माने में कोई काम पॉसिबल हो सकता विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. हमें बताया हमारे घरों में इवन सनसेट के बाद तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है. घरों में देख लो, इंडस्ट्रीज में देख लो, पावर स्टेशन में देख लो, ऑफिस में सभी काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है. तो हम इस चैप्टर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कुछ फिनोमिना है, बेसिक टर्म है, वो डिस्कस करेंगे. तो हमारी फर्स्ट बेसिक टर्म क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल जैसा कि आपने देखा होगा अपने घरों में भी, जैसे ये है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है, लेट मी शो यू. ये देखो ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक सेल सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक सेल पे बेस्ड ही होगा. इलेक्ट्रिक सेल को कभी भी जो आपका अनयूज्ड हो, यूज में ना हो, उसको आप ओपन करके देखना. जब आप ओपन करोगे तो आपको एक रोड दिखाई देगी और एक पाउडर फॉर्म में एक केमिकल निकलेगा उसमें से. तो जो रोड है वो कार्बन रोड है और जो केमिकल है वो केमिकल ही इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी को मीन्स एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस सेल को. तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट. When you open it, then you find some chemical inside it. It will carry some chemical. तो ये chemical ही electricity को provide करता है. तो अब देखो बेटा electric cell में क्या होगा, आपने जो ये देखा ये metal tip है, जो ऊपर वाला जो terminal है वो positive terminal की तरह काम करेगा. हमें पता है कि electric cell के दो terminal में डिवाइड कर रखा बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल को. तो ऊपर वाला अपर जो केस होगा इसका उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव. और जो नीचे वाले मेटल केस है उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है. नाउ ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर फिगर भी ड्रॉ कर रखा है, जो मेटल कैप वाला है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज जो बेस है ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है. इन दिस वे ऐसे ऊपर वाला पॉजिटिव और जो बेस है वो नेगेटिव. नाउ टॉर्च बल्ब, टॉर्च में हम जो बेसिकली बल्ब यूज करते हैं, आपने घरों में भी देखा होगा जो छोटा सा बल्ब लगा होता है टॉर्च में, जो जिसमें एक स्विच का एक ऑन और ऑफ का बटन भी लगा होता है, उस बल्ब को आप गौर से देखना. तो पहले हम बल्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बल्ब बेसिकली किससे बना होगा. आपने देखा होगा जो उसका आउटर पार्ट है वो ग्लास का बना होगा. तो बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स, जो फिक्स होगा मेटलिक बेस से. और उसमें क्या होगा, देर इज वन थिन वायर, आपने एक स्पायरल से पतली सी वायर भी देखी होगी जो बेसिकली टंगस्टन से बनी होती है, उसको बोलते हैं फिलामेंट. तो फिलामेंट जब हम बटन को ऑन करते हैं तो फिलामेंट ही जलता है और वो फिलामेंट की जो लाइट होगी वो बल्ब का जो आउटर पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास उससे टकरा कर वो पूरे रूम में हमें लाइट देगा, लाइट को फैला देगा. तो आउटर केस एक टॉर्च बल्ब का किससे बना होगा, ग्लास से. उसके अंदर एक थिन वायर होगी स्पाइरल शेप में जो टंगस्टन से बनी होगी, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट. अच्छा इससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ, कई बार इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन नहीं होता है. इसके दो कारण हो सकते हैं. फर्स्ट क्या है, या तो हमारा स्विच जो है वर्किंग नहीं है, जो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में. दूसरा क्या है, अगर जो फिलामेंट हमने यूज किया है वो फ्यूज हो जाए, मींस वो ब्रेक हो जाए, अगर वो वर्किंग नहीं है तो जो टॉर्च का बल्ब होगा वो हमें लाइट नहीं देगा. नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये आपके लिए बेटा बिल्कुल नई टर्म है. अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दूँ इलेक्ट्रिक सर्किट का, जैसे मैंने ये सेल लिया है और मैंने एक बल्ब ले लिया, उस सपोज दिस इज अ बल्ब, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देती हूँ तो ये बल्ब ग्लो करेगा. जैसे ही मैं इन दोनों को, इसके लोअर पार्ट को अपर पार्ट को बल्ब से अगर मैं कनेक्ट कर दूंगी तो ये हमें एक लाइट देगा. तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया है वो एक रास्ता देगा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के पास होने का, विच प्रोवाइड पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ सेल इज कनेक्टेड विद अ बल्ब. अब क्या है, अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज
सिंपल एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या होगा कि एक सेल को कनेक्ट कर दिया है एक बल्ब से। अगर मैं इस सेल को इस बल्ब से कनेक्ट कर दूंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट मिल जाएगा। अब ये ऑन कैसे होगा, जैसे हमने घरों में देखा होगा व्हेन यू स्विच ऑन द लाइट बटन देन इट विल ग्लोज आउट, और जैसे ही हमने फैन का बटन ऑन किया फैन मूव करना स्टार्ट कर देता है, हमें हवा देना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही मैं ऑफ करूंगी बटन को, बंद कर दिया मैंने तो बंद हो जाएगा। तो ये किसका काम कर रहा है, एक स्विच का काम कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्विच होगा। आप अपनी बुक में देखना, बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा, दो नेल्स है, एक नेल को हमने सेल से कनेक्ट कर रखा है, देन सेल को बल्ब से, और देन उसका दूसरा जो टर्मिनल है वो दूसरी नेल से कनेक्ट कर रखा है, और उन दोनों नेल्स को कनेक्ट करने वाले हमने एक सेफ्टी पिन यूज कर रखी है। आप बुक में देखना, जब हम सेफ्टी पिन के दूसरे टर्मिनल को उस नेल से कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, मीन्स ऑन हो जाएगा, और जैसे ही सेफ्टी पिन को हटा देंगे तो बल्ब फिर से ऑफ हो जाएगा। तो जो ये सेफ्टी पिन है जैसे ही दूसरी नेल को टच करती है तो ये एक स्विच की तरह काम कर रहा है कि स्विच ऑन हो गया है। जैसे ही सेफ्टी पिन को हम रिमूव करते हैं, मीन्स नेल को टच नहीं करेगी, तो वो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा, मीन्स स्विच बंद हो गया है। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या है, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस विच ईदर ब्रेक द सर्किट, या तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगा या फिर उस सर्किट को पूरा पाथ को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। अब बल्ब ग्लो कब करेगा, जब पूरा सर्किट क्लोज होगा, मीन्स जब सर्किट स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जब बल्ब ग्लो करना कब बंद करेगा, जब सर्किट ओपन होगा, मीन्स जब स्विच ऑफ होगा। नाउ इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दिस इज द लास्ट टॉपिक बेसिकली कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। देखो, अगर आपने सेल को कनेक्ट कर रखा एक बल्ब से, देन बल्ब को कनेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू एक रबर से, बीच में रबर अटैच कर दिया है, और जब आप वायर को कनेक्ट करोगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, करके देखना, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दूसरा, अब मैंने इस इरेजर को रिमूव कर दिया है और एक क्या है सिल्वर वायर ले ली है, उससे हमने उसको कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखना, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा। तो सिल्वर वायर या फिर आयरन वायर भी ले सकते हो आप, या फिर हमने रबर यूज़ किया तो बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, और सिल्वर वायर यूज़ की तो बल्ब ग्लो कर रहा है। इससे ये पता चला है कि जब हमने रबर को यूज किया तो वहाँ से करंट पास ही नहीं हो पाया है, और जब आपने सिल्वर वायर को यूज किया तो करंट वहाँ से पास हो गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास नहीं हो सकते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाते हैं। तो उस बेसिस पर हमने मटेरियल को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, कौन कौन से, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। नाउ कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होंगे, मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ऐसे मटेरियल या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। जैसे मैंने यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक एग्जांपल ले रखा था, और जैसे ही हमने वायर के थ्रू बल्ब को कनेक्ट कर रखा है तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है करंट को पास होने का। अब अगर ये जो वायर्स है वो किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रिक आयरन वायर या सिल्वर वायर्स है, ये किसका काम कर रही है, कंडक्टर का। जो ये एरो है ये किसको दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रही है। नाउ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के एग्जांपल कौन कौन से होंगे, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन, देयर आर मच मोर एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर। नाउ इंसुलेटर, जैसा कि मैंने, अगर हम यहाँ पर एक इरेजर का यूज कर लेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो करंट यहाँ से पास होकर आएगा यहीं तक रह जाएगा, जो रबर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को अपने अंदर से पास होने ही नहीं देता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। तो इंसुलेटर क्या है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से ही इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास होने ही नहीं देते हैं, जैसे वुड, रबर, प्लास्टिक। हमारी बॉडी क्या है, सोचो जरा, हमारी बॉडी क्या, हमें करंट लगता है जब भी हम किसी स्विच को या किसी चलती रोड को, आयरन को, या जहाँ से भी करंट पास हो रहा है अब अगर हम उसको पकड़ लें, यस आवर बॉडी इज कंडक्टर, हमारी बॉडी एक कंडक्टर है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उनको आप
विदाउट बेयर फुटेड या फिर क्या है उनको विदाउट स्लीपर्स आपको वो टच नहीं करना चाहिए. मीन्स आपको एक इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करना चाहिए, स्लीपर्स पहन कर टच करना चाहिए. या फिर क्या है कि अगर आप नंगे पैर या फिर ग्राउंड पर अगर आप खड़े होकर टच कर रहे हो तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद एक अच्छा कंडक्टर है. और जो अगर हम स्लीपर पहनेंगे, स्लीपर क्या है, स्लीपर इंसुलेटर है, रबर की बनी हुई होती है, तो स्लीपर में से क्या हो जाएगा, करंट पास नहीं होगा और हमारी बॉडी को शॉक नहीं लगेगा. तो जब भी बच्चों आप इन चीज़ों का यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी आपके घर में इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आप अच्छे से यूज करें, विद प्रिकॉशन से यूज करें. ओके, थैंक यू. और आपका इस पे बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो आप इस पे बेस्ड ट्राई कर लेना. ओके, थैंक यू.